राजस्थान के आईपीएस अफसर दिनेश एमएन के लिए मंगलवार को बड़ी खबर आई है। देश के सबसे चर्चित इनकाउंटरों में से एक शोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में दिनेश एमएन बरी कर दिए गए हैं। मुंबई कोर्ट ने इन्हें बरी करने के आदेश दिए। दिनेश एमएन को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वो 7 साल की जेल की सजा काट चुके हैं। लोग इन्हें सिंघम और गब्बर कह के भी बुलाते हैं। दिनेश एमएन 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग हैं। सबसे पहले 2000 वर्ष में करौली एसपी रहे हैं, उसके बाद सवाई माधोपुर और झुंझुनू, उदयपुर और अलवर एसपी रहे हैं। 26 नवंबर 2005 में अंबाजी के पास हुए सोहराबुद्दीन इनकाउंटर को फर्जी मानते हुए दिनेश एपेन को 24 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद वो 7 साल तक जेल में रहे थे। इनका जो उदयपुर का खुफिया तंत्र बेहद मजबूत है, यही कारण है कि 3 महीने पहले इन्हें खान विभाग में संजय सिड्डी की दलाली और विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की सूचना मिली थी। उन्हें मामले में निगरानी शुरू की। इसके बाद एक दिन में ही माइनिंग व्यापारी शेर खान, शेर श्याम एस सिंघवी और दलाल संजय सेठी समेत कई अधिकारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।